Hey guys and welcome back to the King of Hell। तो अब तक कहानी में आपने देखा अर्थ को बचाने के लिए जॉनी ब्लेज हेल का राजा बन जाता है, जबकि इसका पिछले वाला राजा डेमन मेफिस्टो वो लॉस वेगस के अंदर एक जेल में कैद है। जॉनी ब्लेज हेल में फंसा हुआ था लेकिन उसे अपनी ड्यूटी का पूरी तरीके से नहीं पता, जबकि ब्रुकलिन के अंदर डैनी केज गोस्ट राइडर की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक बार खोल लेता है। फिर कुछ डेमन्स एक पोर्टल से होते हुए अर्थ पे पहुंच जाते हैं और उन्हें वापस पहुंचाने के लिए जॉनी ब्लेज को भी अर्थ पे आना पड़ा, लेकिन हेल की पावर ने उसे करप्ट कर दिया है। मेरे चारों तरफ पापी हैं, इनकी स्मेल मेरी सेंसेस के ऊपर हावी हो रही है, मुझे टॉन्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है ताकि मैं इनको सजा दे सकूं, लेकिन ये लोग वो डिजर्व नहीं करते क्योंकि जो पनिशमेंट मैं इनको दूंगा वो इनके कामों से भी ज्यादा खतरनाक होगी। और वैसे भी मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उस आदमी के लिए आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ वही है जिसने एक इंसानी पाप नहीं किया है, क्योंकि वह एक इंसान नहीं है। जो कुछ इसने किया है उसकी सजा पाने के लिए इसे हेल में भेजा गया था। तभी जॉनी अपनी मोटरसाइकिल बुलाता है और उस आदमी को खींचते हुए एक सुनसान जगह पे लेकर गया। जॉनी ने पूछा, वो लोग कहाँ गए? वो आदमी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बस घर जाना चाहता हूँ अपनी वाइफ के पास। जॉनी कहते हैं, और झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारा झूठ पकड़ सकता हूँ डेमन। उस आदमी ने कहा, क्या? नहीं, ओह कम ऑन, मैं नहीं जानता। लेकिन जॉनी उसके ऊपर और दबाव डालता है। तब वो डेमन सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। जॉनी ने पूछा, जो डेमन्स हेल से तुम्हारे साथ भागे थे वो कहाँ गए? उस आदमी ने कहा, हम बस आजाद होना चाहते थे, एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ हम हेल के टॉर्चर से बच सके और अपनी जिंदगी जी सके। तुम भी तो वहाँ पे हमारे साथ फंसे हुए थे, तुम समझ सकते हो ना? जॉनी ने कहा, तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ गए, वरना मैं तुम्हें हेल के 8वें लेवल में भेज दूंगा, जहाँ वो तुम्हारे मांस को जमा देंगे और फिर इसे तुम्हारी हड्डियों से अलग करेंगे, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ ब्रेकफास्ट से पहले सहन करना पड़ेगा। वो डीमन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। ब्रुकलिन, दिन निकलने के बाद स्टेशी उस बार का दरवाजा खटखटा रही है। बाहर निकलने पर डैनी कहता है, क्या टाइम हुआ है? स्टेशी ने कहा, 12 बज चुके हैं, तुम्हें आसमान में चमकता हुआ सूरज दिखाई नहीं दे रहा, अब ये मत कहना कि तुम यहीं पे रहते हो। डैनी ने कहा, हाँ, ये जगह खरीदने में मेरा सारा पैसा चला गया, मुझे अपना अपार्टमेंट भी बेचना पड़ा। स्टेशी पूछती है, लेकिन क्या एक बार के अंदर रहना कानूनी है? डैनी ने कहा, नहीं है, लेकिन तुम पुलिस को मत बताना। स्टेशी ने कहा, तुम इतने होश में तो लग ही रहे हो कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकूं। हेनरी हार्टले, वो तुम्हारा एक रेगुलर कस्टमर है या फिर था? आज सुबह उसका अपार्टमेंट पूरी तरीके से जला हुआ मिला, हमें एक लाश भी मिली है जिसकी पहचान किया जाना अभी बाकी है, लेकिन जैसा कि वो हेनरी का अपार्टमेंट था और हेनरी वहाँ अकेला रहता था तो हम पक्का कह सकते हैं कि वो हेनरी ही है। पड़ोसियों ने कहा था कि उन्हें एक लेदर पहने हुए हड्डियों वाला इंसान दिखाई दिया जिसका सिर जल रहा था, वो आग लगने से कुछ मिनट पहले बिल्डिंग के अंदर घुसा था। डैनी पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो हेनरी ही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। स्टेसी ने पूछा, उस टाइम तुम कहाँ पे थे? डैनी चौंका, वो नो, मेरा हेनरी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा एक रेगुलर कस्टमर था, अच्छा आदमी था, और जहाँ तक मेरी बात है मैं अपनी मॉम की कब्र पे था, मुझे टाइम का कुछ पता नहीं क्योंकि मैं काफी टल्ली हो चुका था। स्टेसी पूछती है, क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो? डैनी ने कहा, नहीं, लेकिन अगर तुम उस शमशान में जाकर देखोगी तो तुम्हें वहाँ कुछ खाली पड़ी बियर की कैंस मिलेंगी जिनके ऊपर तुम्हें मेरे फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि हेनरी मारा गया, आखिर कोई उसे नुकसान क्यों पहुँचाएगा? स्टेसी ने कहा, देखो डैनी, घोस्ट राइडर के साथ रहते हुए मुझे नहीं पता कि तुम कितने कंट्रोल में हो, कितने तुम हो और कितने वो घोस्ट राइडर है, क्या हो सकता है कि तुम्हारे जाने बिना उसने ये सब किया हो? डैनी ने कहा, नहीं, अगर वो मेरे ऊपर कंट्रोल भी कर लेता है तब भी मुझे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, मैं हमेशा इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता लेकिन मैं बैठा बैठा देखता भी नहीं रहता, घोस्ट राइडर ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, मैं इसे करने नहीं दूंगा। गाय स्टेसी एक डिटेक्टिव है। तभी उसे एक फोन आया। स्टेसी ने कहा, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा लेकिन मैं हमारी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए वापस आऊंगी, अगर तुम्हें हेनरी की मौत के बारे में सुनकर इतना दुख लग रहा है तब शायद तुम मेरी ये ढूंढने में मदद करो कि उसके साथ ऐसा किसने किया। हेल के अंदर जॉनी ब्लेज के कुछ साथी डेमन्स एक दूसरे ग्रुप के डेमन को टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
तुम्हें राजा के चेहरे पे इस तरीके से नहीं थूकना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ लिलित के साथ ही आए और इन डेमन्स को मारकर टॉर्चर किए जा रहे डेमन को छुड़ा लिया। लिलित पूछती है, क्या तुमने उस झूठे राजा को देखा था? डेमन ने कहा, मैंने उसे सिर्फ बात की थी। लिलित ने पूछा, क्या तुमने उसे बताया कि तुम कहाँ जा रहे थे और बाकी सब कहाँ पे जाने की सोच रहे हैं? डेमन कहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लिलित कहती है, अच्छा तुमने अच्छा काम किया। ये जगह राजाओं के लिए नहीं है, फिर चाहे वो झूठे हों या सच्चे हों। जहाँ पे वो जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि जॉनी ब्लेज वहीं पे जाए, क्योंकि वहीं पे उसकी मौत होगी। उधर मैनहट्टन के एक बंदरगाह पे जॉनी ब्लेज एक शिप के ऊपर घुस आया है। यहाँ भी वो डेमन्स को ढूंढ रहा है। एक डेमन कहता है, हम बस आजाद होना चाहते थे। जॉनी ब्लेज ने कहा, तुमने मासूम लोगों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया। उस डेमन ने कहा, मासूम जैसी कोई चीज नहीं होती। जॉनी ब्लेज कहता है, तुमने उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय कर दी, उनकी बॉडी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जैसे तुम्हारी खुद की हो, ताकि तुम अर्थ के ऊपर बिना किसी के पता चले घूम सको, और अब तुम यहाँ पे मासूम होने का नाटक कर रहे हो। एक दूसरे डेमन ने कहा, प्लीज हम वापस नहीं जा सकते। बाहर स्टेसी उस बंदरगाह तक पहुँच चुकी है, जिसे पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। ऑफिसर ने स्टेसी को बताया, लगता है कि हमारे पास एक घोस्ट राइडर की सिचुएशन है। काफी सारे यात्री उस शिप से उतर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ 100 लोग अंदर हैं। शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो घोस्ट राइडर पानी में डूब जाएगा, बस हमें लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है। तो गाइस स्टेसी डैनी को फोन लगाती है। डैनी ने कहा, क्या? नहीं ऑब्वियसली यार, वो मैं नहीं हूँ, मैं अभी बाहर के अंदर हूँ। स्टेसी, ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस पुलिस को उस नाव से दूर रखना। फिर डैनी उस बारटेंडर एमा से कहते हैं, तुम इंचार्ज हो। एमा ने कहा, कुछ ऐसा बताओ जो मैं पहले से ही नहीं जानती। डैनी ने कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। एमा कहती है, बस 10 बजे से पहले वापस आ जाना, मुझे कहीं पे जाना है, और अगर तुम वापस नहीं आते हो तो मैं बार को छोड़कर चली जाऊंगी और हर कोई मुफ्त में दारू पिएगा। बाहर जाते हुए डैनी सोच रहे हैं, डैम इट जॉनी, तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? मुझे इन सब से दूर क्यों नहीं जाने देते? बस मुझे एक दिन और एक रात घोस्ट राइडर से आजाद होकर गुजारनी है। शिप के अंदर डेमन्स कह रहे हैं, प्लीज मास्टर ऐसा मत करिए, आपको मेफिस्टो की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। आप एक नए टाइप के राजा बन सकते हैं जिसे भलाई का मतलब पता हो। प्लीज अगर आप हमें जाने देते हैं तो हम एक ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जॉनी ने कहा, मैं तुम्हें जाने क्यों दूंगा? आजादी उनके लिए है जो पूरी तरीके से पापों की सजा भुगत चुके हैं। अगर तुम लोगों को सच में पछतावा होता, अगर तुम सच में बदल चुके होते, तो तुम अपने भले के लिए इंसानी सोल्स को नष्ट नहीं करते, तुम उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं करते, तुम उन इंसानी सोल्स को भी वही सजा भुगतने के लिए नहीं भेजते जिससे बचने की तुम कोशिश कर रहे थे। ये सब करके तुमने दिखा दिया है कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा। अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा, इसलिए इस दुनिया के अंदर तुम लोगों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, हेल। ये डैमनेशन स्टेयर तुम्हारी किस्मत डिसाइड करेगी। अगर तुम सच में अर्थ पे होना डिजर्व करते हो, अगर तुम सच में माफी के हकदार हो, तो ये पीना स्टेयर तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं हो, तो तुम वही पहुंच जाओगे जहां तुम बिलोंग करते हो। मैं हेल का राजा हूं, मैं तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। तभी डैनी उसे आकर रोक लेता है। जॉनी, क्या तुम पागल हो चुके हो? जॉनी ने कहा, डैनी ये डीमंस हैं जो हेल से भाग कर आए थे। लेकिन डैनी हमला करते हुए कहते हैं, नहीं वो नहीं है, ये इंसान है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। गाइस वो डीमंस बाहर भागते हुए चिल्लाने लगे, मदद करो, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस अंदर जाने की सोचती है, लेकिन स्टेशन ने कहा, बस 5 मिनट और दो। लेकिन पुलिस कहती है, नहीं सारे लोग बाहर आ चुके हैं, घोस्ट राइडर को हराने का हमारे पास यही एक मौका है। अपनी बंदूकें रीलोड कर लो लड़को, अगर तुम्हें उनमें से कोई भी जल्दी खोपड़ी वाला बाहर आता हुआ दिखा तो गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स का वेट मत करना। तभी एक डीमन उस ऑफिसर के पास आई, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या मैं आपको कुछ टाइम के लिए किराए पे ले सकती हूँ? गाइस उस डीमन ने ऑफिसर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अंदर जॉनी डैनी को एक जोरदार पंच करता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा डैनी? क्या तुम एक घोस्ट राइडर को इतना नकार रहे हो कि तुम्हें अपने सामने की चीज दिखाई नहीं दे रही? क्या तुम इन डीमंस की सच्चाई नहीं देख सकते? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने उस डीमन को अपने बार के अंदर आने क्यों दिया। डैनी कहता है, तो तुम्हें हेनरी का घर जलाया था। जॉनी कहता है, उसका नाम हिनरो मूल्स था, एक मास मर्डरर जिसे 15वीं शताब्दी में हेल में भेजा गया। वो मुझसे पहले भाग आया था और वह इस पूरे टाइम तुम्हारे सामने था। डैनी अपना जबड़ा ठीक करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, अगर हेनरी सच में एक डीमन था तो मुझे पता चल जाता, मैं इसे सेंस कर लेता। अब तक वो डीमन बाकी पुलिस वालों के साथ अंदर घुस आया। वो घोस्ट राइडर्स को हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। जॉनी ने कहा,
मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे डीमंस दिखाई देते हैं। और तभी जॉनी उस ऑफिसर के ऊपर हमला करता है। उसके अंदर का डीमन बाहर आ चुका था। उसने कहा, किंग तुम्हें हमें जाने देना चाहिए था। जॉनी ने कहा, तुम इतने बेवकूफ थे कि तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? जरूर मैं मेफिस्टो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक डीमन को अर्थ पे खुला घूमने नहीं दे सकता। अपनी आंखें खोलो डैनी, हमारे चारों तरफ डीमंस हैं। वो हेल से भाग कर आए हैं और उन्हें वापस डालना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे, तब मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। डैनी ने कहा, तुम पागल हो चुके हो जॉनी। मैं नहीं जानता कि हेल में तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम्हें रोका जाना जरूरी है। गाइस वो भी जॉनी का पीछा करने लगता है। अपने मन में सोच रहा है, मुझे अपनी मोम की बात याद आ रही है। तुम्हें जॉनी को रोकना होगा, वो पावर के नशे में पागल हो चुका है। लेकिन मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं लगा कि वो सच होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जॉनी ने शिप के ऊपर उन इंसानों के साथ क्या किया, उन बेचारे इंसानों के साथ, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसे रोकना होगा, उससे बात करने की कोशिश करनी होगी, उसे बचाना होगा। ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद जॉनी डैनी को रोकते हुए बोला, बहुत वाह, मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी, लेकिन तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, घोस्ट राइडर से मुंह मोड़ लिया। बस ये जान लो कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि घोस्ट राइडर होना तुम्हारे ऊपर एक बोझ है, और इसीलिए भी कि तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे, तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर करने वाला हूँ। डैनी कहता है, जॉनी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें रुकना होगा। लेकिन जॉनी उसे नीचे गिराते हुए बोला, मैं तुम्हारे पास से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को छीन रहा हूँ। अपनी आजादी के मजे लो डैनी, जबकि मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना है। तो गाइस जॉनी डैनी को पानी में मरने के लिए छोड़ देता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद है कि अगला एपिसोड आने से पहले आप पूरा करवा देंगे।